सही से कर लेना चाहिए था ना। टोपी लगाते तुम्हारा भी फोटो खींच देते इंडिपेंडेंस पर लगाने के लिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का रचना रियल ब्लॉग में स्वागत है। और आज देखिए, आज मेरा सबसे पहला ब्लॉग है और आज 15 अगस्त और गणेश चतुर्थी भी है और इसलिए मैंने अपना चैनल चालू किया है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा पूरी तरह से और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखिएगा भी और लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि जिससे मेरी अगली वीडियो आए तो आप लोग को ज़रूर पता चले। और आज से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है और देखिए आज 15 अगस्त है, बच्चों को जाना था तो मेरा छोटे वाला बेटा जिद करने लगा टिफ़िन बनाने के लिए। वही टिफ़िन बना रहे थे तो सोचा मैगी ही बना दे, तो वही मैगी बनाया तो ले गया था, मैं बड़ा वाला नहीं ले गया था। वही सब तैयार हो गए, सब पैकिंग कर रहे हैं, देखिए पैक करके वही देंगे, उसके बाद सबको नीचे छोड़ेंगे, नीचे ऑटो आएगा फिर लेके जाएगा। तो वही सब जा रहे हैं सब उसको, तो वही सब तैयारी हो रही है। तो देखिए पिकिन टिफिन उपिन पैक हो गया है और दे रहे हैं, दे लेंगे सबको। तो वही जाएंगे थोड़ा सा नहा वहा के थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि आज पानी वानी तो पीना नहीं है, निर्जला व्रत है आज के दिन। वो भी चांद, आज मौसम भी बहुत थोड़ा बारिश वाला मौसम हुआ है। देखिए बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं नीचे, वही इन सबको छोड़ देंगे तो उसके बाद आएंगे ऊपर, तो झाड़ू पोछा कर लेंगे, तो उसके बाद नहाने ही जाएंगे। देखिए नहा लिए हैं और दिन में लेटे हुए थे, मन नहीं कर रहा था क्योंकि बिना पानी के गला सूखने ही लगता है। तो वही उठे हैं शाम को, वही बोल रहा था 7:30 हो रहा था, तो वही पैर और में अलता लगा लिए थे, बैठ के पैर में अलता लगा रहे थे क्योंकि टाइमिंग भी 9:55 का दिखा रहा था पूजा के लिए। तो वही धीरे धीरे अपना वही तैयारी करने लगे थे 7:30 बजे से। खाना बनाना नहीं था क्योंकि घर से लोग खाना बनाती हैं, निर्जला व्रत रहते हैं तो हम कोई रहता है तो खाना बनाने नहीं देता। मेरी सास वहाँ बना रही थी, तो वही मैं अपना जो था सब धीरे धीरे पहन के तैयार हो रही थी। आज ही के दिन मेहंदी भी रखे थे, देखिए थोड़ा सा ही रखे थे, जैसा आया था अपने हाथ से ही रखे थे। तो वही चूड़ी निकाल दिए थे, ग्रीन ग्रीन, साल भर तो ग्रीन ही पहना था तो इसलिए चूड़ी निकाल दिए थे। तो वही चूड़ी डाल रहे थे, नया वाला था, मैके से मिला था तो उसी को डाल रहे थे। अब ये चूड़ी उड़ी पहन के उसके बाद साड़ी उड़ी पहनेंगे, साड़ी पहन के तैयार हो लेंगे। उसके बाद खाना वाना बन चुका है, बच्चे भी खाना खा लिए, खाना बन चुका है। वही तैयारी था, थोड़ा उपवास के लिए कुछ बनाना था तो वही थोड़ा सा आलू फ्राई कर लिए थे, बस वैसे ही मिर्चा डाल के, क्योंकि इससे थोड़ा अच्छा लगता है और मूँगफली हमको अच्छा लगता नहीं है, तो इसीलिए मैं वही आलू फ्राई करके रख दी थी। और टाइमिंग था 9:50 पे चाँद देखने का टाइमिंग था, तो मैं 9:30 बजे गई छत पे। तो वही धीरे धीरे वही सब धीरे धीरे तैयारी कर रही थी पूजा की, तो वही कर रहे थे। तो आज पूरा दिन तो जानते ही हैं कि उपवास रहने में, देखिए तैयार हो गए हैं। बस वही आज बारिश बहुत हो रही है, मौसम भी बहुत ख़राब है आज का। तो वही अब चौथ है, आज तो 15 अगस्त भी था, चौथ भी है, तो वही थे तो जा रहे हैं पूजा करने। सारी तैयारी हो चुकी है मेरी, बस वही चलिए आप लोगों को मौसम दिखाते हैं, कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, और चल के देखते हैं नज़ारा। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि पूछिए आज का मौसम। आज पता नहीं चांद भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कमी ऐसा है कि चांद दिखेगा।
तैयारी कर रही हूँ। भाई नीचे तैयारी कर लिए थे, रूम में ही भगवान जी के रूम में ही तैयारी कर लिए थे, चौका का फूल लिए थे, पूरा मैंने समझ जी बिछा छा के तैयारी कर लिए थे। तो फिर 9:15 बजे बारिश बंद हो गई। तो फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे मैंने वही थो जनेऊ था, तो जनेऊ को पीला रंग से कलर करना था, उसी को कलर कर रहे थे क्योंकि पीला जनेऊ लिया नहीं गया था, तो उसी को हल्दी लगा रहे थे। हल्दी लगाना शुभ होता है ना जनेऊ में, तो इसीलिए जने को वही थोड़ा सा हल्का सा हल्दी डाल के और थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के उसी को येलो कर रहे थे, तो वही पीला कर लिए थे। थोड़ा सा ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हो पाया था क्योंकि हल्दी साफ रखे भी नहीं थी, थोड़ा सा पूजा रूम में था तो उसी से किए थे उसको। तो वही सारी तैयारी मैं नीचे बैठ के कर ली थी। वैसे तो पूजा नीचे ही करने वाली थी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हवा भी चल रहा था और बारिश भी तेज़ हो रही थी, तो इसीलिए सोचा कि नीचे ही कर ले। फिर टाइम देखे मोबाइल में तो 9:55 का दिखा रहा था, तो सोचे 9:30 बजे पूजा करेंगे तो हो जाएगा। तो फिर 9 बजे गए तो वही देखे तो बारिश बंद हो गई थी। तो वही बारिश बंद होने के बाद फिर दोबारा ले जाकर चौका पूरे छत पे, क्योंकि ये चांदी की वर्क दिया जाता है, तो इसीलिए छत पे ही करना अच्छा लगा मुझे, इसीलिए मैंने फिर जाके छत पे छोटा सा चौका पूर लिया था। और सारा सामान मैं उठा के ऊपर ले गई धीरे धीरे करके, इसमें पान का पत्ता, कसैली और थोड़ा सा गाय का गोबर भी था क्योंकि उससे वो गौरी जी को बनाया जाता है ना, तो इसीलिए देखिए वही सारा तैयारी धीरे 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 कर रही थी। और फूल लाया था तो माला बहुत बड़ा था, तो इसी को अब सोचे थे कि माला को भी सही कर लेते हैं नीचे बैठे बैठे। वही देखिए इतना बड़ा माला था तो उसको छोटा सा किए थे कैंची से काट के, और जो फूल एक्स्ट्रा था तो उसको रख लिए थे चढ़ाने के लिए। और एक और माला मैंने बना के रख दिया था सुबह में क्योंकि उसके बहन पर मंगलवार था, तो सोचे थे हनुमान जी को चढ़ा देंगे, तो इसीलिए एक और माला बना के मैंने रख दिया था फ्रिज में। वैसे ताज़ा ही था, बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा था, तो इसीलिए अपना रखे थे। बीसी को बनाना के फिर छत पे चलेंगे, तो देखती है। देखिए आ गए हैं, बारिश बंद हो गई, हल्का फुल्का पानी लगा था छत पे, और उतनी दूरी में मैंने छोटा सा चौका पूर दिया था और गणेश भगवान को बैठा दिए थे चौके में। अब इनको देखिए कितना अच्छे से मैंने फूलों से सजा दिया। वो इतना हवा चल रहा था कि जो बिछाए थे वो भी उड़ रहा था, एकदम परेशान हो गए थे। दीपक भी नहीं जल रहा था, कैसे कैसे मैंने दीपक जलाया, तो उसी में कैसे कैसे आरती की मैंने। अरे बहुत हवा तेज चल रही थी, मौसम भी बहुत ठंडा था, इसलिए इस बार थोड़ा पता नहीं चला था निचला व्रत। हम पानी तो 10:30 बजे पानी पिए थे क्योंकि चाँद 9:55 पर निकल गया था चाँद, तो इसीलिए। चलिए देखिए पूजा मैंने कैसे कैसे किया है। अंदर से दिया जला के ले आई, नीचे जाकर सीढ़ी पे दिया जलाया, फिर उसको पत्थर से घेर के कैसे जलाए थे दीपक, क्योंकि हवा तेज चल रही थी, जल ही नहीं रहा था, बार बार बुझ जा रहा था। तो फिर बाहर से जला के लाए, तो फिर वही देखिए अब चांद दिख रहा था, तो वही मैं अर्घ दे रही हूँ, अर्घ दे लूँगी चांद को। उसके बाद आरती उरती कर चुकी हूँ मैं, आरती कर ली थी, तो वही अर्घ 5 बार घुमा जाता है ना, इसके बाद चांद को चढ़ाऊँगी। मेरी सासू माँ खड़ी है पीछे, जी ना जी 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 जी
ये बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसने चांद का फोटो ही नहीं लिया, बिल्कुल रिकॉर्डिंग किया ही नहीं चांद का, क्योंकि चांद बहुत अच्छे से निकला था, लग नहीं रहा था कि निकलेगा, क्योंकि मौसम भी साफ नहीं था, तो बिल्कुल आस नहीं था कि चांद निकलेगा, मगर फिर भी 10 बजे जिस टाइम दिया था उसी टाइम बिल्कुल चांद निकल गया था। तुम तो भी पहली बार इतने अच्छे से मैंने चांद को देख के पानी पिया था, तो वही सारा पूजा हो गया था, तो वही पानी छिड़ के वही नीचे चलेंगे, वही सासू माँ बता रही थी इसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो वही कर रहे थे दिया जलने के लिए, पूरा थाली उली से ढके, तब मेरा दीपक जला। उसके बाद पूजा वजा हो गया तो भगवान जी का पैर माथा टेक के देखे, माथा टेक रही हूँ, इसके बाद सासू माँ का पैर छूँगी, उसके बाद नीचे चलूँगी, तो चाय बना है वही पियो लूँगी, कपड़ा चेंज कर लूँगी, तब चलूँगी सोने के लिए। देखिए मैं आ गई हूँ, अपना मेहंदी दिखा रही हूँ कैसा चढ़ा है, अपने हाथ ही से रखी थी मैंने रात में, कल एक हाथ पे कल रात में और एक आज सुबह में रखी थी, देखिए कितना चढ़ गया था अच्छे से। भाई पूजा वजा हो गया था तो कपड़ा वपड़ा बदल के वही लेट गए थे, काम हो गया था। चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, और शेयर भी कर लीजिए प्लीज। ओके बाय बाय, जय हिंद।